नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फाइनटेक बीआरके में। दोस्तों, 3 महीने के बाद मैं आज वापस वीडियो बना रहा हूँ और अपने इस चैनल पर 3 महीने से वीडियोस नहीं आ रही थी, तो काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे थे और ज़्यादातर एक कमेंट मेरे पास था कि फेसबुक मार्केट प्लेस पर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं और व्यूज़ नहीं आ रहे इस कारण हमें ऑर्डर भी नहीं मिल रहे हैं। तो मैंने आज काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पर रिसर्च किया और देखा और किस तरीके से मैं जो व्यूज़ हैं वो लाता हूँ, सारी चीज़ें आज मैंने मिलाई हैं और लिखी है कि किस तरीके से हम फेसबुक मार्केट प्लेस पर व्यूज़ ज़्यादा लेंगे और जिससे हमारे ऑर्डर अच्छे आए। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों में गलतियाँ करते हैं, ठीक है, फेसबुक मार्केट प्लेस में, जिस वजह से क्या होता है हमारे फेसबुक मार्केट प्लेस पर प्रोडक्ट हम डालते हैं लेकिन व्यूज़ नहीं आते। तो आखिर व्यूज़ क्यों नहीं आते उनका मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। फेसबुक मार्केट प्लेस हर नए रीसेलर और पुराने रीसेलर के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ से हम अच्छे खासे ऑर्डर लाते हैं। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले बता दूं, जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इस टाइप की वीडियो इस चैनल पर लाता रहता हूं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं फेसबुक मार्केट प्लेस पर व्यूज़ क्यों नहीं आते, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि फेसबुक मार्केट प्लेस पर व्यूज़ कैसे लाए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि पहला कारण क्या होता है कि हम एक्टिव नहीं रहते हैं फेसबुक मार्केट प्लेस पर, इसी कारण से फेसबुक मार्केट प्लेस पर हमारे व्यूज़ नहीं आते हैं और ना ही हमें ज़्यादा ऑर्डर मिलते हैं, ठीक है। एक्टिव से मेरा मतलब ये है कि आप क्या करते हैं, कई बार क्या करते हैं, बहुत सारे रिसेलर होते हैं जो फेसबुक मार्केट प्लेस पर पोस्ट तो डालते हैं लेकिन वो पोस्ट डालने के कई दिनों तक वहाँ पर कोई रेस्पॉन्स नहीं देते, या फिर एक पोस्ट डालने के बाद बहुत दिनों तक कोई पोस्ट ही नहीं डालते, ठीक है। इस वजह से क्या होता है कि फेसबुक को लगता है कि कहीं ना कहीं ये बंदा एक्टिव नहीं है, इसलिए आपकी पोस्ट को धीरे धीरे फेसबुक मार्केट प्लेस नीचे की तरफ लेकर चला जाता है, जिससे आपकी पोस्ट ऊपर रैंक नहीं करती, इस वजह से आपको ऑर्डर नहीं मिलते और ना ही आपकी पोस्ट पर व्यूज आते हैं, ठीक है। तो आपको एक्टिव रहना है फेसबुक मार्केट प्लेस पर, तभी आपको ज़्यादा ऑर्डर मिलेंगे। अब मैं दूसरी बात करता हूँ कि दूसरा कौन सा कारण है, तो वो है लोकेशन। लोकेशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ऑटो लोकेशन को ही यूज़ करते हैं, जैसे फेसबुक मार्केट प्लेस पर पोस्ट डालते हैं तो उस टाइम ऑटो लोकेशन का ऑप्शन रहता है, तो ऑटो लोकेशन को वो यूज़ करते हैं, इस वजह से उनके फेसबुक मार्केट प्लेस पर व्यूज़ नहीं आते। ऑटो लोकेशन ये क्यों इतना ज़्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि दोस्तों हम आसपास में जहाँ रहते हैं वहाँ पर और भी रिसेलर होते हैं और वो भी उसी लोकेशन को यूज़ करके प्रोडक्ट डालते हैं, तो उस कारण से हमें लोकेशन की वजह से भी हमें नहीं मिलता है। तो लोकेशन आपको कैसे डालना है, सबसे पहले स्टेट के नाम आप लिख दीजिए कहीं पर, और उसके बाद स्टेट के बाद वहाँ पर जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, वहाँ पर उन सारे ज़िलों के नाम लिखिए और आज इस ज़िले में पोस्ट की तो कल किसी और ज़िले में, इस तरीके से आप पोस्ट करोगे तो आपकी काफ़ी ज़्यादा पोस्ट होगी और वो रैंक भी करेगी। अब जो तीसरा दोस्तों सबसे बड़ा कारण है वो है रिपोर्ट। रिपोर्ट काफ़ी ज़्यादा क्या होता है कि हम मार्केट प्लेस पर जब एक्टिव रहते हैं तो लोग क्या करते हैं कि एक्टिव रहने के बाद अगर हम कोई कस्टमर हमें मैसेज करता है, हम उनका अगर प्रॉपर रिप्लाई नहीं दें या फिर रेस्पॉन्स नहीं दें तो वो क्या करते हैं, हमारी रिपोर्ट करते हैं। और जब अगर एक भी रिपोर्ट आपके फेसबुक मार्केट प्लेस पर होती है तो उसका काफ़ी ज़्यादा आने वाले टाइम में आपके पोस्ट पर इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि दोस्तों देखो मार्केट प्लेस के जो टीम होती है, ठीक है, फेसबुक मार्केट प्लेस की, वो देखते हैं कि आपके जो आपने पोस्ट डाली उस पर अगर रिपोर्ट आई है, ये फिर आप जो सेलर है आपके ऊपर अगर कोई कस्टमर रिपोर्ट करता है, ठीक है, अब वो रिपोर्ट क्यों करेगा, सबसे पहले तो इस चीज़ को जानना ज़रूरी है। रिपोर्ट वो इसलिए करेगा क्योंकि आप या तो उसको प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं दे रहे या फिर आप किसी गलत टाइप का प्रोडक्ट डाल रहे हैं, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे क्या करते हैं लोग 1 रुपया भी डालते हैं तो वो भी उस टाइप से प्रोडक्ट डालने से भी बहुत सारे लोग रिपोर्ट करते हैं और एक भी रिपोर्ट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है, ठीक है, वैसे वो मार्केट प्लेस पर। तो जितना हो सके आप रिपोर्ट होने से बचिए, प्रॉपर लोगों को रेस्पॉन्स कीजिए, प्रॉपर सही से पोस्ट डालिए और प्रॉपर लोगों को जो भी, जैसे कई बार क्या होता है कि हम कस्टमर को प्रोडक्ट तो देते हैं और उसमें हम 7 डे की रिफंड पॉलिसी, रिटर्न एंड रिफंड की पॉलिसी भी देते हैं, तो कस्टमर क्या करता है कि वहाँ पे जब हम वो बोलता है कि मुझे प्रोडक्ट अच्छा नहीं मिला आप इसे वापस रिटर्न कर दीजिए, तब हम बहुत सारे मैंने देखा है सेलर ऐसे होते हैं, ठीक है, रीसेलर जो उस प्रोडक्ट को रिटर्न नहीं करवाते, इस वजह से वो आखिर में परेशान होकर वो आपको रिपोर्ट करता है और रिपोर्ट करने की वजह से आपका फेसबुक मार्केट प्लेस पर जो पोस्ट डाले उस पर काफ़ी ज़्यादा बुरा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, तो चौथा पॉइंट मैं आपको बता दूँ, इसमें हम क्या करते हैं कि टैग, टाइटल और प्राइस, इसमें काफ़ी ज़्यादा हम गड़बड़ करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, ठीक है, मैंने भी कई बार किया है, गलतियों से ही मैंने सारी चीज़ें सीखी है। तो हम क्या करते हैं टैग, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, जिस तरीके से मीशो पे होता है सेम उसी को उठाते हैं और मार्केट प्लेस में पोस्ट कर देते हैं, फोटो भी सेम वही डालते हैं, इस वजह से क्या होता है कि हमारी फेसबुक मार्केट प्लेस में जो उनकी टीम होती है, जो
सर करती रहती है, ठीक है, कहीं ना कहीं हम फेसबुक मार्केट प्लेस में सेम वही चीज़ें डालते हैं और भी लोग उसी लोकेशन पर डालते हैं और दूसरी लोकेशन पर भी वही प्रोडक्ट फोटो टाइटल डिस्क्रिप्शन सब सेम रखते हैं, प्राइस तक सेम रखते हैं। इस वजह से क्या होता है कि फेसबुक मार्केट प्लेस को लगता है कि ये कहीं ना कहीं स्कैम कर रहा है, ठीक है, यानी कि कुछ फ्रॉड कर रहा है, सेम सारी चीज़ें हो रही है, इस वजह से उनको लगता है कि फ्रॉड हो रहा है। इस वजह से भी हमारी पोस्ट होते हैं वो नीचे जाती है, इस वजह से व्यूज़ नहीं आते। तो हमें क्या करना है, फोटो हमें कुछ यूनिक डालना है, ठीक है, कुछ अलग फोटो डालना है और ट्रेंडिंग कुछ प्रोडक्ट डालना है, ठीक है। इसके अलावा टाइटल आप पूरा बदल लीजिए, जिस टाइप उस टाइप का कोई टाइटल और फेसबुक मार्केट प्लेस पर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों क्या होता है कि डिस्क्रिप्शन भी आप थोड़ा चेंज कीजिए, थोड़ा सा बदलने की कोशिश कीजिए। और प्राइस हमेशा दोस्तों आप हो सके तो जितना कम रख सके दूसरे सेलर से, ठीक है, उतना कम रखिए। और इसके अलावा दोस्तों ये सारी चीज़ें भी मायने रखती है। तो अब दोस्तों लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, लास्ट पॉइंट है ट्रेंडिंग प्रोडक्ट डालो और वही प्रोडक्ट आपके ज़्यादा सेल होंगे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक और भी चीज़ काफ़ी ज़्यादा है आज के टाइम में, रीसेलर काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। आज इंडिया में रीसेलर काफ़ी ज़्यादा है, सभी को पता है मीशो शॉपिंग रोड जैसी कंपनियां हैं जो प्रोडक्ट को सेल करने पर हमें पैसा मार्जिन देती है। इस वजह से हर कोई आज अपने आसपास में भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे रीसेलर बन गए, वो प्रोडक्ट को सेल करवाते हैं। इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा फेसबुक मार्केट प्लेस पर ट्रैफिक है, ठीक है, लोग वहाँ पे भर भर के पोस्ट डालते हैं। तो हमें उन सबसे कुछ अलग डालनी है जो मैंने आज पॉइंट बताया है, इन पॉइंट पर आपको फोकस करना है और इन्हीं पॉइंट को ध्यान में रखते हुए पोस्ट डालनी है, तब जाके आपको फेसबुक मार्केट प्लेस पर व्यूज़ भी दिखेंगे और ऑर्डर भी दिखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही, काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए, फैन लगा हुआ है, ठीक है, सारी चीज़ें हैं लेकिन फिर भी पसीना हो रहा है वीडियो बनाने में। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे अगले एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।